दोस्तों फोटोशॉप में आप आयुष्मान कार्ड किस प्रकार से प्रिंट कर पाएंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और सही दोस्तों इसका एक हमने एक्शन फाइल भी बना रखा है जो कि आप जैसे ही शॉर्टकट की दबाएंगे तो ऑटोमेटिक 5 कार्ड जो है एक शीट में यानी कि A4 साइज शीट में इंसर्ट हो जाएगा, जिसे आप बिल्कुल बारीकी से प्रिंट करके यानी कि कुल मिलाकर के 2 से 4 सेकेंड के अंदर आपका जो है एक शीट में 5 कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। तो किस प्रकार से आपको काम करनी है चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले आपको फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लेना है जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों जो भी आपका आयुष्मान कार्ड का PDF है उससे आपको क्या करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके और फोटोशॉप में ले चलना है। यहाँ पे लाने के बाद बस यहाँ पे आपको रिलीज कर देना है। रिलीज करते हैं यहाँ से आप जस्ट ओके के ऑप्शन पे क्लिक कराइए। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है ओके पे क्लिक कराते हैं, रेजुलेशन 300 रहना चाहिए और मोड RGB कलर रहना चाहिए, सीधा यहाँ से ओके करा लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पेज को यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, लेकिन बैक पेज को भी इंसर्ट कराने के लिए वापस से हमें इसे मिनिमाइज़ करना होगा और फिर से जो है वही PDF फाइल को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में लाना है और यहाँ पर रिलीज कर देना है। छोड़ने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे चूँकि देख पा रहे हैं ये फ्रंट पेज है लेकिन हमें बैक साइड का पेज चाहिए, तो यहाँ से गो टू पेज पे क्लिक कराना है। क्लिक कराने के बाद यहाँ पे गो टू पेज के जगह यहाँ पे 1 की जगह 2 कराइए और सीधा ओके करा दीजिए, वापस से ओके करा देना है और फिर से यहाँ से आपको ओके करा देना है। ध्यान रखना है रेजुलेशन 300 रहना चाहिए। ओके कराते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड का यहाँ पे आयुष्मान कार्ड का जो है PDF इंसर्ट हो गया है। अब दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक नया पेज लेना होगा। अगर मान लीजिए आपके पास A4 साइज प्रिंट करने का प्रिंटर है तो नॉर्मली आप A4 साइज पेज पे इसे इंसर्ट करेंगे। किस प्रकार से इसे जो है इंसर्ट करनी है, सबसे पहले तो कंट्रोल के साथ N बटन दबा करके न्यू पेज ले लेना है या फिर फाइल पे क्लिक करके और न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे और यहाँ पे प्रीसेट साइज में A4 को आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से RGB कलर सेलेक्ट रहना चाहिए, वाइट कंटेंट्स रहना चाहिए और सीधा यहाँ से ओके करा लेना है। ओके कराने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे ये A4 साइज का पेज आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों को उठा करके ले जाएंगे, तो जिसके लिए सबसे पहले इसका साइज यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा कि कितना साइज का यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पेज को यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, तो फ्रंट पेज के टाइटल पर क्लिक कराते हैं। अब हम इसे क्रॉप करने के लिए सबसे पहले यहाँ से मैक्सिमाइज के ऑप्शन पर यानी कि ये जो पेज है इसके मैक्सिमाइज बटन पर हम क्लिक कराते हैं। क्लिक कराने के बाद यहाँ से क्रॉप टूल को सेलेक्ट करना है। क्रॉप टूल पे क्लिक कराते ही ऊपर में देख पा रहे हैं विड्थ और हाइट पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो भी ID कार्ड होता है उसका जो एक्चुअल साइज है वो विड्थ है 86 mm, ध्यान रखना है 86 mm, और साथ ही इसका जो हाइट होता है वो 54 यानी कि 54 mm होता है, तो 54 mm यहाँ पर डालते हैं। इसके अलावा रेजुलेशन में ध्यान रखना है 300 ही यहाँ पर आपको डाल लेनी है। डालने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है इसे क्रॉप करना है, तो जिसके लिए किसी एक साइड से माउस को दबाए रखिए और इस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए आ जाइए। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा सेलेक्ट नहीं हो पाया है, तो क्या करेंगे माउस को छोड़ने के बाद वापस से हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक करके और इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट तक। सेलेक्ट करने के बाद इंटर बटन दबा देना है। इंटर लगाते ही जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है ID कार्ड का फ्रंट पेज जो है क्रॉप हो चुका है। क्रॉप होने के बाद अब आपको क्या करना है कंट्रोल के साथ A बटन दबाना है, कंट्रोल A यानी कि ऑल टू ऑल सेलेक्ट करने के लिए। जैसा कि देख पा रहे हैं सिलेक्शन बन चुका है, अब आपको कंट्रोल के साथ T बटन प्रेस करना है, कंट्रोल टी कराते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सिलेक्शन मोड में आ गया। अब यहाँ पे जो देख पा रहे हैं नीचे वाला जो पॉइंट दिख रहा है इस पर क्लिक करके और इसको अपने नीचे की तरफ इस प्रकार से खींच लेना है। खींचने के बाद एंटर बटन हिट करना है। एंटर लगाने के बाद वापस से एक बार और आपको क्रॉप करना है, तो क्रॉप टूल फिर से सेलेक्ट करेंगे, साइज वही है। अब हम एक बार और यहां से क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद फिर से वापस से एंटर लगाएंगे। एंटर लगाने के बाद यहां से रीस्टोर करेंगे और अब हम इसको यहाँ से यहाँ उठा करके ले जाने के लिए मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको उठा करके यहाँ पर रख देंगे। अब दोस्तों ये जो है A4 साइज में एकदम परफेक्ट ID कार्ड का साइज में आएगा। इसके अलावा अब हम बैक साइड का यहाँ पे ले जाएंगे, तो जिसके लिए क्या करना है वापस से यहाँ पे क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज मैक्सिमाइज यहाँ से कराएंगे पेज का और यहाँ से हम सिलेक्शन करना इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे माउस को कंटिन्यू दबा करके। माउस छोड़ने के बाद वापस से यहाँ पे प्रेस करके और इस प्रकार से जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और एंटर बटन लगाइए। एंटर लगाते ही क्रॉप हो गया है। कंट्रोल के साथ A बटन दबाते हैं और वापस से कंट्रोल के साथ T बटन दबाते हैं। अब कंट्रोल T लगाते हैं, सिलेक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे इस प्रकार से नीचे की तरफ खींचेंगे,
वापस से एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं सिलेक्शन बना हुआ है, तो एक बार कहीं भी किसी भी स्थान पे क्लिक कर दीजिए तो सिलेक्शन हट गया। और वापस से क्रॉप टूल लेकर के फिर से एक बार और क्रॉप कर लेना है। इसके बाद वापस से एंटर लगाना है। एंटर लगाने के बाद इसे आपको रीस्टोर करना है, तो जिसके लिए यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक कराना है और मूव टूल को सिलेक्ट करके और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इस पेज पे ले आना है। लाने के बाद देख पा रहे हैं ये दोनों एकदम परफेक्ट साइज में आ चुका है। इसके बाद हम चाहेंगे कि इसके आउटर साइड में एक जो है स्ट्रोक लगाना, बॉर्डर लगाना, तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैक्सिमाइज करा लेते हैं और कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा करके इस प्रकार से जूम कर लेंगे और स्पेस को दबाए रखेंगे और इसको हम नीचे की तरफ इस प्रकार से माउस से क्लिक करके नीचे की तरफ लाएंगे। और हम इस पर जो है स्ट्रोक लगाना चाहेंगे, तो जिसके लिए हम इस पर क्लिक कराते हैं और एडिट में आने के बाद यहाँ से जो देख पा रहे हैं स्ट्रोक वाला ऑप्शन यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। किस कलर में देना है, ब्लैक ही रहने देते हैं, 2 पिक्सल बिल्कुल सही है, ओके पे क्लिक करा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं बैक साइड में ये बॉर्डर लग चुका है ब्लैक कलर का। वापस से फ्रंट पेज पर भी हम क्लिक करके और यहाँ से फिर से एडिट पे आएंगे और स्ट्रोक पे क्लिक कराएंगे और इस पे भी स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम जो है एडजस्ट भी कर लेंगे और कंट्रोल के साथ पी बटन दबा करके, यानी कि अब हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ पी बटन दबाएंगे तो यहाँ से ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम क्रॉप करके और बिल्कुल आसानी से किसी भी ग्राहक को दे सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है आपको आयुष्मान कार्ड को क्रॉप करना है फोटोशॉप में, जिसका साइज याद रखना है आपको 86 mm विड्थ है और 54 mm हाइट है और 300 रेजुलेशन रखना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमने बताया, एक एक्शन बटन से भी आप जो है कर सकते हैं, जिसका फाइल हमने बना रखा है। तो किस प्रकार से आपको करना है, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों पेज यहाँ पे लेकर के आना है और बैक साइड वाला ऊपर में आपको रखना है और शिफ्ट के साथ F12 बटन को प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिक ये कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे बनके तैयार हो गया, स्टॉप पे क्लिक कराते हैं और ये कुछ इस प्रकार से साइज ऑटोमेटिक तैयार हो गया, जो कि मात्र 1 सेकंड का काम था। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार का एक्शन अपलोड करना चाहते हैं तो इसका एक वीडियो हमने बना रखा है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देखिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से क्लिक करके आप नॉर्मली एक्शन बटन को भी उस वीडियो से डाउनलोड करके और यूज़ में ला सकते हैं।